दोस्तों सभी किसानों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जिन किसानों को 14वीं किस्त मिल गई है उसे 15वीं किस्त भी मिलने वाली है। आखिर कैसे, कब तक आ जाएगा 15वीं किस्त, जानिए पूरी वीडियो में। बहुत जल्द ही मिलने वाली है और इसके लिए क्या आपको करना होगा, यदि कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट में कमी हो गई है तो उसे भी पूरा कर सकते हैं, और नहीं हुई है तो आपका बिना पूरा किए ही किस्त आ जाएगी। आखिर कैसे, देखिए पूरी वीडियो में। दोस्तों यदि बात की जाए तो केंद्र सरकार के तरफ से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2000 रुपए उनके खाते में भेजी जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ चुकी है। अब किसान 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पहले सभी पात्र किसानों को उल्लेख अंगन एवं बैंक खाते की आधार शीडिंग के साथ साथ KYC कराने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। यदि दोस्तों यदि आप भी आधार शीडिंग नहीं कराए हैं तो आप भी उसे जल्द से जल्द करा लें, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश भी दिया गया है कि लैंड सीडिंग से आच्छादित पात्र किसानों के KYC एवं उनके बैंक खाते का आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 अक्टूबर तक इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में 15वीं किस्त नवंबर और दिसंबर में भी आने की सूचना मिली है और उतना तक आ सकती है आपकी बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में आप लोग के सभी के खाते में 2000 रुपए आ जाएंगे। इस अभियान के तहत अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराने के लिए सभी जनपदों में 15 अक्टूबर 2023 तक आधार सीडिंग एवं KYC कराने के लिए संघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत न्याय पंचायत और राजस्व ग्रामवास नामित कार्मिक पेंडिंग KYC की सूची के साथ साथ डोर टू डोर किसानों में से संपर्क करेंगे और KYC आधार सीडिंग के कार्य को भी पूर्ण कराएंगे। तो दोस्तों महीने के लास्ट में आपके भी गांव में यानी कि सभी गांव में आधार सीडिंग करने वाले आएंगे और सभी को पूर्ण करेंगे। KYC का अभियान संचालित कराया जाएगा और इस अभियान के संचालित के सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। दोस्तों यदि आपका भी लैंड सीटिंग हो रही है या KYC दोनों में कुछ भी बता रही है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं पूरी विस्तार से लैंड सीटिंग के बारे में बता दिया हूँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपको कैसे हो सकती है और कैसे फिर आपके अकाउंट में पैसा आ सकती है, इसे जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको पसंद लगी है वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।